हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रियलमी की तरफ से बहुत सारे हैंडसेट लॉन्च हो रहा है, क्योंकि हर 2-3 महीने में रियलमी की तरफ से एक और नया हैंडसेट लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों, लीक्स के माने तो अभी अभी जो रियलमी की तरफ से जो लीक्स आ रहा है, इसमें आपको रियलमी का A1 हैंडसेट और रियलमी का 3 हैंडसेट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। जो रियलमी का जो 3 स्मार्टफोन होने वाला है, ये रियलमी 2 का सक्सेसर होने वाला है, और जो रियलमी का जो A1 स्मार्टफोन होने वाला है, ये एक अलग सीरीज के अंदर लॉन्च होने वाला है। मतलब जो रियलमी का जो 3 स्मार्टफोन होने वाला है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है ज़्यादातर लीक्स सामने नहीं आया है। सिर्फ इतना पता चला है कि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी रियलमी की तरफ से रियलमी 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। लेकिन रियलमी का A1 का जो रूमर्स है, कहीं ना कहीं सामने आ चुका है, क्योंकि रूमर्स के माने तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले, यहाँ पर आपको 6.2 इंच का आपको HD+ का डिस्प्ले मिलेगा। ऊपर के साइड आपको नॉच मिलेगा। 19:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा रियलमी का A1 स्मार्टफोन में। आपको 4200 mAh के आसपास आपको बैटरी भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 1.8 GHz का कुछ ऑक्टाकोर चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्फर्म नहीं है कि वो कौन सा चिपसेट होने वाला है। स्नैपड्रैगन 636 होगा या हेलियो का P60 होगा, P70 होगा, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रूमर्स आया है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा कुछ उसके बारे में लीक्स नहीं है कि रियलमी A1 में वो स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, और रियलमी का जो नया सीरीज आने वाला है रियलमी A1 और रियलमी 3, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो गए, ज़्यादा लीक्स अभी सामने नहीं आए। दोस्तों, अगर आप रियलमी का A1 और रियलमी का 3 स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जो भी उसके बारे में लीक्स पाऊंगा, आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।